द सल्लीज़न ऑफ़ डिफ़रेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग द कंडीशंस। तो एक डिफ़रेंशियल इक्वेशन जो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाइ करती है, ये हमें बताना है। जो डिफ़रेंशियल इक्वेशन है, अगर उसके लिए मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ़ m, तो वो होगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस मुझे एम के दो रूट्स मिलेंगे यानी कि इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं -2, -2 रियल एंड रिपीटेड हैं तो इसके हेल्प से अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई एक्स लिखता हूँ तो वो होगा c1 वन प्लस सी टू एक्स ई रेज टू द पावर माइनस अब मुझे y प्राइम x निकालना होगा जो कि इक्वल्स होगा c1 वन प्लस सी टू एक्स पावर माइनस टू एक्स प्लस माइनस टू एक्स इन टू सी टू अब इनिशियल हमें देगी c1 का वैल्यू फोर आप ही इसमें रख सकते हैं और इसी तरह y प्राइम जीरो इक्वल्स टू एट है ये हमें c2 का वैल्यू मिलेगा यहाँ से इस इक्वेशन सेकंड से 16। अब इन दो इक्वेशंस को, सॉरी इन दो वैल्यूज को हम जो सल्यूशन आया है उसमें पुट अप करेंगे। तो हमारे पास जो सल्यूशन है वो ये है, y x equals to 4 plus 16 x e raise to the power minus 2x। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा।